आइए आपको दिखाता हूँ वो वाला हारमोनियम जो मेरा फेवरेट है डबल रीड में। जब मेरा कुछ भी गाने को दिल करता है और अगर मुझे डबल रीड की प्रेफरेंस हो तो मैं इस हारमोनियम को यूज़ करता हूँ। DMS 18P मॉडल है। अब आपने 18P में हमारी काफ़ी रेंज देखी होगी, ट्रिपल रीड भी है विदाउट स्टॉप, ट्रिपल रीड विद स्टॉप्स जो टीकवुड में आता है, स्टिक चाबी जिसको बोलते हैं, फिर आपने देखा होगा डबल रीड में विदाउट स्टॉप्स मेरे पुराने वीडियोज़ में। ये वाला मॉडल है जो DMS 18P जो हमारा विद स्टॉप्स मॉडल है। 9 स्टॉप्स हैं इसमें जैसे आप देख सकते हैं। 3.5 ऑक्टेव का कीबोर्ड है, कपलर लगा हुआ राइट एक्शन इसमें। राइट एक्शन का मतलब होता है जब आप सेंटर का सी दबाते हैं तो राइट वाला हायर वाला बजता है, जब लेफ्ट एक्शन होता है तो वो बेस वाला बजता है उल्टा वाला। बड़ी अच्छी साउंड है, बड़ी डीप साउंड है इसकी। इसके साथ जैसे 18RG मॉडल में मैंने आपको बताया था, ये सेम वैसा ही मॉडल है, सिर्फ ये कलैप्सिबल है, वो कलैप्सिबल नहीं होता। लेकिन कैबिनेट के डिफरेंट होने से, जैसे वो स्टैंडर्ड मॉडल है, पोर्टेबल नहीं है, और ये पोर्टेबल मॉडल है, इसमें डबल कैबिनेट है, तो साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, थोड़ा बहुत ऐसा डिफरेंस रहता ही है। इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं कि आप उसके सैम्पल्स यूज़ करें साउंड के और वो एग्जैक्ट सेम हो। हर हारमोनियम की साउंड थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। मैंने 2 हारमोनियम सेम मॉडल भी देखे हैं, एग्जैक्टली सेम मॉडल, एग्जैक्टली सेम लॉट का बना हुआ मॉडल, सेम रीड सब कुछ, बट वो डिफरेंट साउंड करते हैं। ये काफ़ी यूनिक चीज़ है और अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स में कि आप एग्जैक्टली एक साउंड को दूसरे हारमोनियम में या दूसरे इंस्ट्रूमेंट में रिप्लीकेट नहीं कर सकते। 9 स्टॉप्स हैं इसमें, ड्रोन लगे हैं वही C# और G# का। उसके बाद आपको D# और B♭ मिलता है और इन दोनों को आप मैच करें तो जैसे आपने पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, G# और B♭ का जब आप मैच करते हैं तो वो फीमेल स्केल का हारमोनियम बन जाता है। सा जो है उसमें G# हो जाता है। मुझे इस बाजे की साउंड बहुत अच्छी लगती है, मुझे इसके साथ गाने में बड़ा मजा आता है। मैं आपको एक गाना ट्राई करता हूँ, सोनी महिवाल मूवी का है। बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन है, बड़ी मेडिटेटिव मूड की कॉम्पोजिशन है, सुनने में भी बड़ी अच्छी लगती है, गाने में भी बहुत अच्छी लगती है और इस हारमोनियम के साथ काफ़ी डेप्थ है इसकी आवाज़ में, इसलिए अच्छा लगता है। अब इसमें स्लाइडिंग जाली नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें ऑर्डर के टाइम तो आपको स्लाइडिंग जाली भी ऑर्डर पे बन सकती है। इसमें फिक्स्ड जाली है, स्लाइड नहीं होती। अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है तो आपको जाली निकालनी पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी लाउड साउंड हो जाती है। इसको मिश्र कह सकते हैं क्योंकि उंगलियां कहीं भी जा रही हैं, कुछ भी बज रहा है। गाने का अगर आपका दिल करता है इसके साथ तो जाली बंद करके ही ज़्यादा अच्छी साउंड आती है, डेप्थ आती है। अगर आप कपलर बंद कर दें तो आपको सस्टेन और ज़्यादा मिल जाता है और जो हाई पिच साउंड आ रही है वो नहीं होती। जैसे इस साउंड में मुझे वो गाना याद आ रहा है, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है वो, सागर किनारे। मेरे को पुराने गानों का बहुत शौक है, इसलिए मैं जब भी हारमोनियम बजाता हूँ कुछ ना कुछ गाने याद आते रहते हैं और मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ आप लोगों के लिए। अगेन, मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, बस हारमोनियम बजाते बजाते बेचते बेचते मुझे गाना भी आ गया थोड़ा बहुत और बाजा बजाना भी आ गया। एक चीज़ मैं आपको हारमोनियम्स के बारे में बताऊं, जब भी आप हारमोनियम को बंद करें किसी भी मॉडल को तो चाबियों पे उसका हाथ रख लें, उसको दबा लें ताकि जब आप बेलो बंद कर रहे हैं तो हवा निकल जाए सारी। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे और सीधा बेलो बंद कर देंगे तो नीचे की जो बेलो है, बेशक वो स्टैंडर्ड हारमोनियम हो बेशक वो पोर्टेबल हारमोनियम हो, नीचे की जो बेलो है उसमें हवा रह जाती है। तो अगर आपने हवा नहीं निकाली तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से निकलेगी अपने आप ही
तो उसमें चांसेस होते हैं कि लॉन्गर रन में आपके हारमोनियम में एयर लीकेज शुरू हो जाए, स्टॉप्स बंद करें, फिर इस हारमोनियम को कलेप्स कर सकते हैं। साइड पे ऑटो पुश दिया हुआ है इसमें, जैसे आप देख सकते हैं। इसको नीचे से जैसे पुराने जमाने में हारमोनियम्स में होता था वैसे नहीं करना पड़ता, ऊपर से इन क्लैंप्स को आप पुल करें तो हारमोनियम नीचे कलेप्स हो जाता है और एक बॉक्स की तरह बन जाता है। मल्टीफोल्ड साइड बेलोज हैं इसमें, कपलर लगा हुआ है। कपलर इसमें अगर आप उल्टा हाथ का चाहें, लेफ्ट कपलर चाहें तो वो भी बन सकता है, बट उसके लिए आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि आपको लेफ्ट एक्शन कपलर चाहिए। पाइन वुड का है, काफ़ी लाइट वेट हारमोनियम है। इसी में आपको टीक वुड भी मिलता है, बट मोर और लेस मुझे टीक वुड में थोड़ी सी, सिंस वो कहा जाता है कि टीक वुड इससे थोड़ी ज़्यादा डेंस होती है, तो उसमें जो आवाज़ बाउंस होती है उसका इफेक्ट मुझे इतना पसंद नहीं आता जितना इसमें है, क्योंकि ये लकड़ी आवाज़ को थोड़ा अब्जॉर्ब कर रही है, जिस वजह से इसमें थोड़ी सॉफ्टनेस ज़्यादा आती है, थोड़ा मेलोडियस ज़्यादा बन जाता है, इसलिए आपको बजाने में भी मज़ा आता है। जैसे मैंने बताया था कि अनूप जलूटा जी के मैं भजन काफ़ी सुनता था और बहुत पसंद है मुझे उनकी कॉम्पोजिशंस, एक ये भी है उसमें से। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो जैसे मैंने आपको बताया हारमोनियम की आवाज़ बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा है गाने में, और 3.5 ऑक्टेव में बास मेल रीड्स में मेरा ये फेवरेट हारमोनियम है पर्सनल। अगर मुझे आप कहें कि डबल रीड में कोई मॉडल लेना है जिसकी आवाज़ बड़ी अच्छी हो गाने के लिए, तो एनी डे मैं इसी बाजे को सिलेक्ट करूँगा। मेरी मोस्टली जो रिकॉर्डिंग्स मैं पहले करता होता था, या जो मैंने डबल रीड के बाजों में जो भी रिकॉर्डिंग्स करी हैं, ऐसे ही मॉडल पे करी हैं जो डबल रीड का था, और यही पाइन वुड का उसका कैबिनेट था। मेरे को कुछ मैसेजेस आए थे जिसमें लोगों ने पूछा है कि आप थोड़ा टेक्निकल हारमोनियम के बारे में बताएं कि जैसे अगर कोई रीड अटता है या कोई बजिंग साउंड आती है रीड में तो वो कैसे ठीक होती है, तो इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इससे नेक्स्ट, आप देख सकते हैं कुछ दिनों में वो भी रिलीज़ होगी। उसमें मैं आपको सारा बताऊंगा कि अगर आपके हारमोनियम में कोई बजिंग साउंड आती है किसी रीड में, जैसे बहुत कॉमन है ये हारमोनियम में बजिंग साउंड, उसके हालांकि मैंने यूट्यूब पर देखे हैं, बहुत वीडियोज़ दिए हुए हैं ऑलरेडी, बट मैं आपको उसका एक डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको सारी तरह से दिखाऊंगा क्या रीज़न से वो हो सकता है और किस तरह उसे ठीक किया जा सकता है। बाकी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम हारमोनियम के प्राइसेस अपने कमेंट्स में नहीं डालते यूट्यूब के नीचे, तो अगर आपको प्राइसेस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज लिखें, आपको विद इन 24 आवर्स सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके बारे में, उस मॉडल स्पेसिफिक मॉडल के बारे में, या आप कोई भी प्राइसेस चाहते हो किसी भी मॉडल के बारे में। काफ़ी वीडियोज़ मैंने देखी हैं जो मिसलीडिंग है, जिसमें अजीब अजीब से क्लेम्स किए होते हैं, सबसे सस्ता हारमोनियम यहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है, इतने का होता है, उतने का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया 3,000-5,000 में आपको कोई हारमोनियम्स नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। आजकल रीड्स के ही प्राइसेस जो कि ब्रास का सेट होता है वो ही 2,500-2,500 से नीचे नहीं अच्छा मिलता। हाँ, अगर कोई पुराना मॉडल पड़ा और कोई बेचना चाहते हो तो आपको वो मॉडल ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा हारमोनियम स्टार्टिंग रेंज 8,000-9,000 इसी रेंज से स्टार्ट होते हैं न्यू हारमोनियम्स, और आपको उसके साथ 1 ईयर to 2 ईयर वारंटी भी मिलती है, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, डिपेंडिंग ऑन किस डीलर से आपने खरीदा है। हमारे हर हारमोनियम में आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी, एक फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। हम रिप्लेसमेंट्स नहीं देते, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट विद इन 2 ईयर्स आता है तो हम आपको वो फ्री ठीक करके देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाता रहूँगा और आपके लिए लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जिसमें मैं आपको हारमोनियम बजिंग जो रीड्स होते हैं वो कैसे ठीक किए जाते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू सो मच। Thank you.